करने का, और ईद मुबारक आपको भी और पूरी कौम को। ईद जो है मेरे लिए तो जब से मैंने स्क्वाश शुरू की है थोड़ा सा ये होता था कि ईद के दिन भी ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। ट्रेनिंग पे जाते थे और यू नो जो ईद के कपड़े होते हैं नए कपड़े, उसकी जगह हम ट्रैक सूट पहने होती थी। लेकिन फिर जाके जब बाहर गई US और कनाडा में, वहाँ पे फिर ये होता था कि ट्रेनिंग ये फैमिली से दूर, फिर ईद की वो ईद का वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली ईद है कोई 7-8 साल बाद कि मैं फैमिली के साथ यहाँ पाकिस्तान में गुजार रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब अमन हो गया है और फाटा जो है, जो ट्राइबल इलाका था, वो अब KPK का हिस्सा बन चुका है। तो मैं फाटा के लोगों को, तो डबल ईद हो गई, डबल ईद हो गई है हम सब के लिए, फाटा के लोगों के लिए, मेरे लिए। और बड़े बहुत खुशी है कि मैं अभी फैमिली के साथ यहाँ पे अमन के साथ अपने मुल्क में ईद मना रही हूँ। तो फैमिली में तो आयशा गुलालई भी हैं जो आपकी सिस्टर हैं जी, और वो तो इलेक्शंस की तैयारियों में हैं जी, तो उनके साथ मुलाकात आपकी हो पा रही है? मेरे लिए सबसे मतलब वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं डेफिनेटली। लेकिन ये है कि यू नो बड़ी बहन है और यू नो बहुत खुशी हो रही है कि मतलब घर में हूँ उनके साथ, और थोड़ा थोड़ी भी उनको उनसे मिल जुल हो जाए तो भी बड़ा अच्छा होता है। तो इस दफ़ा ईद उनके साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल मना रहे हैं, और आपके वालिद साहब भी आपके साथ ही यहाँ पे बिल्कुल ईद मना